हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नए तरह का बॉर्डर लेकर आई हूँ। ये बॉर्डर आप लेडीज कोटी, स्वेटर या किसी भी कार्डिगन में आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आएगा। ये हमारा डिजाइन का पैटर्न है। इस पैटर्न में हमें राइट साइड की जो सीधी सीधी रो दिख रही है वो फंदे काउंट करना है, और रॉन्ग साइड में हमारा इस तरह से सिंपल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 4 रो सीधी बनाई हुई है और ये 3 रो में हमारा ये डिजाइन बना हुआ है। 4 फंदे सीधे बने हुए हैं, 3 फंदे में डिजाइन बना हुआ है, ये भी फंदे हमारे सीधे बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाई में 39 फंदे डाल लिए हैं। साइड का एक एक फंदा उतार लेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर ये आप डिजाइन वाले फंदे जो मैंने इस बॉर्डर में बनाए हुए हैं, अगर ये आप डालना सीखना चाहते हैं, तो इनका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। देखिए, इसमें मैंने नॉर्मल फंदे डाले हुए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। साइड का फंदा इस तरह से बुन लेंगे, एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे। ये फंदा हम बॉर्डर में इस तरह से लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से फंदा जो लेते हैं वो फंदा हमें इस तरह से ना लेकर इस तरह से बैक साइड में लेना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर लेंगे, और ये फंदा हम इस तरह से ना लेकर इस तरह से फंदा लेंगे, धागा घुमाएंगे, इस तरह से फंदा को लेंगे, और ये हमें फंदा ऊपर से लेना है। फिर से ध्यान दीजिए, राइट साइड में ये वाला फंदा हमें इस तरह से ना लेकर इस तरह से लेना है, ये इस तरह से, और इस तरह से ऊपर से फंदा लेना है, इस तरह से उल्टा फंदा देख लीजिए किस तरह से बनाना है। इस तरह से हम फंदा लेंगे और इस फंदे को हम ऊपर से लेंगे इस तरह से, ये हमारी फर्स्ट रो है। ये हमारी फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं राइट साइड में। साइड का फंदा उतारेंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। राइट साइड में फंदा हमें इसी तरह से लेना है। उल्टे फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे और सीधे फंदे को इस तरह से, यहां से ना लेकर यहां से हम लेंगे इस तरह से, और ऊपर से फंदा लेंगे इस तरह से, ऊपर से फंदा लेकर इस तरह से बनाएंगे। उल्टे फंदे को हम ऊपर से फंदा लेंगे और इस तरह से बना लेंगे, धागा बैक करेंगे। इस फंदे को हमें इस तरह से ना बुनकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई को निकालना है, और ऊपर से फंदा लेकर इस तरह से बुन देना है। इसी तरह से हमारा बॉर्डर बनेगा। ये हमारी सेकेंड रो है। राइट साइड की सेकेंड रो हमारी इस तरह से कंप्लीट होती है। इसी तरह से फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को रिपीट करते हुए 5th रो हम और बना लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 7 रो बनकर कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर हमारे सीधे सीधे फंदे होने चाहिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे फंदे 18 फंदे होने चाहिए, जो हमारे सीधे सीधे फंदे चल रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने 7 रो बनाई हुई है और इस वाले बॉर्डर में मैंने 10 रो बनाकर तब ये डिजाइन डाला हुआ है। तो आप और भी अधिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। 8th रो है हमारी, तो यहाँ पर देखिए साइड का फंदा उतारेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे हम बुन लेंगे, धागा घुमाएंगे, ये वाले फंदे हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर हमें 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये देखिए 1, 2, ये जा रहा है फंदा, 3, 4, 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। उल्टे फंदे को भी इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टा फंदा हमने बुन लिया है, ये हमारा सीधा फंदा है और ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, 1, 2, 3। इन फंदों में से ये वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और इसे इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये 4 फंदे हम उतारेंगे इस तरह से और इस तरह से 3 फंदे हमने फिर से चढ़ा लिए और ये वाला फंदा जो सीधा फंदा है इसे हम यहाँ पर लाकर इस तरह से बुनेंगे, घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला फंदा बुनेंगे, इस फंदे को हम इस तरह से जिस तरह से बुनते हैं सीधा फंदा उसी तरह से बुन लेंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, ये बीच का जो फंदा सीधा है वो सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा घुमा लेंगे और जो ये फंदा हमने इस तरह से उतार दिया था वो फंदा हम तरह से ले लेंगे, इस सिलाई में ले लेंगे और ये वाला फंदा भी हम बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। अब फिर से हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, चार फंदे सीधे और 5 फंदे हमने उल्टे बनाए हुए हैं। ये हमारे फंदे उल्टे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 4 फंदे सीधे हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से हमारे 9 फंदे बीच में हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे, यानी यहाँ पर इन फंदों में हमें 5 फंदे में डिजाइन बनाना है। 2 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदे सीधे हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधे फंदे को हम, पहला फंदा है इसे हम इस तरह से उतार कर छोड़ देंगे, ये 3 फंदे हैं, एक हमारा उल्टा फंदा है, एक सीधा फंदा है, फिर से एक उल्टा फंदा है और ये वाला सीधा फंदा हमें यहाँ पर लाना है। तो हमें इस तरह से उतार देंगे और ये 3 फंदे हम इस तरह से उठा लेंगे, फिर से ये फंदे हमने उठा लिए और ये वाला फंदा हम यहाँ पर लाएंगे इस तरह से, धागा घुमाएंगे, ये फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, धागा घुमाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर
फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब ये जो फंदा हमने छोड़ा था सेफ्टी पिन में, वो फंदा भी हम इस सिलाई में उठा लेंगे। ये फंदा हम धागा सीधा करेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे, सीधा बुनेंगे ये फंदा, फिर से 9 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 2, 3, 4, ये लास्ट का फंदा है। इस तरह से बुनकर हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बॉर्डर बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बॉर्डर को बनाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी फंदे हैं, जितने भी डिजाइन है, हमें इसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए हमारे बीच में सीधे सीधे 4 फंदे छूटे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और बैक साइड में हमारा इसी तरह से सिंपल सा दिखेगा और इस साइड में हमारा ये डिजाइन बनेगा। फिर से हम जिस तरह से हम नीचे की रो बुनते हुए आए हैं, रिपीट करेंगे ऊपर, तो डिजाइन हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। ये देखिए हमने जो फंदे सीधे हैं, वो हमने सीधे बुने हैं ऊपर, इस डिजाइन के ऊपर सीधे सीधे फंदे बुने हैं। इसी तरह से आप भी ये डिजाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।